आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई डैक्स फंक्शन। तो पावर बीआई डैक्स फंक्शन में इफ एंड और के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक डेट वाइज फंक्शन ए है, मतलब कि एक डेट वाइज हमारा डेटा है और मुझे इस पर वीकली रिपोर्ट चाहिए। इन्हें बोल रहे हैं सर आप? हाँ, इसमें मेरे को वीक वाइज काउंट चाहिए। मैंने मान लीजिए कि डेट यहाँ रखा और मैं नेम को ही रख देता हूँ इसके ऊपर, और इसको लेजेंड पे नहीं, मैं वैल्यू में यहाँ पे रखता हूँ और इसकी काउंट आ गया। तो यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे तो यहाँ पे ट्रिगर है हमारा, ड्रिल डाउन इसको बोलते हैं, इसको ड्रिल डाउन कीजिए। यहाँ पे क्या है कि ये आ गया क्वार्टर वाइज, इसके बाद ये आता है मंथ वाइज, और उसके बाद ये आ जाता है डेट वाइज, बट ये वीक वाइज नहीं आता है। ओके, मैं ऊपर वाले में करता हूँ। अब इसको ये आपका मंथ वाइज आ गया। इसकी एक बार सेटिंग को मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, एक्सिस यहाँ पे आ गया ना आपको, तो मैं और ईयर हटाता हूँ, ये मंथ वाइज रिपोर्ट हमारा है। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है सर, ये तो हम वीक डाल के उसमें एक वीक का फॉर्मूला पीछे डेटा टेबल में डाल के वीक निकाल लेंगे डेट से, उससे आ जाएगा इजीली। एक आप जो बोल रहे हैं ना, वीक डे का फॉर्मूला है, वीक वो अलग फॉर्मूला है, वीक नंबर भी है, वीक नंबर भी है इसमें। हाँ, तो वीक नंबर में दिक्कत क्या होता है कि वो ईयरली के हिसाब से चलता है। आपको याद हो एक्सेल में मैंने पढ़ाया था आपको। अब यहाँ पे वीक नंबर क्या करता है एक बार देख लेता हूँ मैं, लेकिन जहां पे मुझे उम्मीद है ये ईयरली चलता है। यहाँ पे वीक हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे इक्वल वीक नम रिटर्न द वीक ऑफ दिखे इन द ईयर, दिख रहा है सर आपको? ये मंथली नहीं चलता है, समझ गए? ये ईयरली चलता है। तो अगर आपका मंडे टू संडे का फर्क नहीं है, 1 से 7, 8 से 15 ऐसे करना है तो पॉसिबिलिटी है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो 1 से 7 ही लेना है मेरे को तो पूरा। 1 से 7 लेना है तो उसके लिए एक तरीक है सर, जैसे कि मैं इसे एक्सेल में समझाता हूँ फिर आपको। जैसे कि आज का डेट हमने ले लिया, ठीक है, आज का डेट हमने यहाँ पे ले लिया, हमें क्या करना है कि इसमें से डे को अलग करना है। क्या करना है? डे को। तो ये क्या करेगा, इसमें से डे को अलग कर देगा, इस डे को डिवाइड बाय 7 करना है और इसको राउंड में डालना है, राउंड अप में कॉमा 0, ठीक है। तो मैं 1 तारीख डालूं तो वीक 1 आ रहा है, मैं यहां पे 8 तारीख डालूं, आठ तारीख डालूं तो बिग 2 आ रहा है, मैं यहाँ पे 15 तारीख डालूं तो बिग 3, मैं यहाँ पे 22 तारीख डालूं तो बिग 4, अगर मैं यहाँ पे 29 तारीख डालूं तो बिग 5, समझ गए? बिल्कुल। चलिए, तो इसी का प्रोसीजर यहाँ पे अपनाते हैं। तो यहाँ पे वीक के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे डे, और डे फॉर्मूला आने से डेट को अलग करेंगे। तो एक डेट यहाँ पे लिखना है ना, सीट वन, इसमें आपको डेट, डे, मंथ नंबर, क्वार्टर नंबर, ईयर है, इसमें से डे अलग होगा। अब उस डे को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, क्योंकि 7 से वो करेंगे क्योंकि 7 दिन का पाया होता है इसलिए। और इसमें हम राउंड अप का फॉर्मूला लगाएंगे, संजोग से राउंड अप का फॉर्मूला होना चाहिए, या है राउंड अप, और इसमें हम 0 दे देंगे। आ गया, ठीक है सर। इस रिपोर्ट में मैं इसको डिलीट करता हूँ, रिपोर्ट लेता हूं,
और इसमें लेता हूं अपना वीक और इसमें लेता हूं नेम, काउंट चाहिए ना आपको सर, इसे उल्टा ले लिया क्योंकि नंबर था इसलिए वीक के वैल्यू में डाल दिया। वीक को डाल दीजिए एक्सिस में और इसको डाल दीजिए वैल्यू में। इसके बाद अगर आपको ये करना है, यहाँ पे स्लाइसर है, स्लाइसर में आप डाल दीजिए डेट को, और यहाँ होता है इसका एक मिनट, इसमें डेट वही जा रहा है तो मूव ऑफ मूव नहीं हुआ इसमें। अच्छा सर वीक डालेंगे ना ये तो स्लाइसर में, मुझे इसमें इसमें बोलिए क्या बोले, इसमें नहीं होता है क्या बोले, सुन नहीं पाया सर वो क्या चाहिए मेरे को, मुझे कार्ड में जैसे कोई मैं ये कार्ड के अंदर मुझे लेटेस्ट जो वीक है, जो लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट वीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट वीक या ये वीक जिसका भी डेटा होगा उसका काउंट चाहिए या सम चाहिए, काउंट चाहिए। मतलब कि आप चाहते हैं लेटेस्ट वीक का काउंट चाहिए आपको कार्ड, लेटेस्ट वीक का काउंट कार्ड के अंदर। बेसिकली मेरे पास क्या है ना, हमारे वेंडर्स के पास WIP होती है, WIP इन द सेंस कि उसके पास मटेरियल रिपेयर करने के लिए होता है, वो पर्टिकुलर एक डेट की इन्वेंटरी है उसके पास, अवेलेबल इन्वेंटरी है। पहले बताइए कि आपके पास यहाँ पे एक ही मंथ का डेटा होता है कि कई मंथों का डेटा होता है? कई, पूरे साल भर का डेटा होता है। तो पर्टिकुलर मंथ का चाहिए होगा फिर लेटेस्ट वीक, नहीं लेटेस्ट वीक का, जो जो भी उस डेटा में सबसे लेटेस्ट और लास्ट में लास्ट वीक जो। चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा तिक्रम करना पड़ेगा, चलिए बताता हूँ कैसे होगा। मैंने यहाँ पे मॉडलिंग में आया, मेजर्स में गया, यहाँ पे लेटेस्ट LST लेटेस्ट, यहाँ पे मुझे काउंट एक्स चाहिए, काउंट एक्स, काउंट एक्स में हमें यहाँ पे फिल्टर का डेटा लगाना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझने की कोशिश की, फिल्टर में हमने डेटा सीट का दे दिया कि सीट में डेटा, अब यहाँ पे फिल्टर कंडीशंस, तो फिल्टर कंडीशन में यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला एंड का, ठीक है। एंड में हमें देना, यहाँ पे देना है कि जो हमारा डेट है, जो हमारा डेट है, डेट का कॉलम माफ कीजिएगा, डेट का कॉलन है, क्योंकि दो कंडीशन है इसलिए यहाँ पे देना है आपको कि डेट का जो कॉलन है वो इक्वल टू होना चाहिए मैक्स, मैक्स मतलब लेटेस्ट, ठीक है। मैक्स में हमने यहाँ पे सीट के अंदर डेट दे दिया, समझ गए। और उसके बाद हमने बोला वीक का जो कॉलन है वो इक्वल टू हुआ अगेन मैक्स, यहां मैक्स इसका लगाएंगे वीक, वीक का, वीक का, वीक और हमें काउंट किसका चाहिए तो नेम का, ये फिल्टर यहां पे फिल्टर क्लोज अप होगा, काउंट किसका चाहिए इसमें मैक्स, हाँ ये मैक्स कितनी फेस है, तो हमें चाहिए किसका फिल्टर, काउंट किसका चाहिए, तो हमने बोला काउंट चाहिए नेम, नेम दे दीजिए, काउंट ही चाहिए ना, तो एक वैल्यू जो ब्लैंक ना हो उसका दे दीजिए। अच्छा ठीक है ओके। इसके बाद कार्ड पे आइए और इस कार्ड का जो है लास्ट वीक का डाल दीजिए, प्लान कर रहे हैं। इसमें डेट क्यों लिया हमने, वीक वीक तो हमने डाल दिया था उसके अंदर, हम सीधे वीक का काउंट कर रहे हैं। हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम, लास्ट मंथ का चाहिए ना आपको, लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ के लास्ट मंथ की लेटेस्ट मंथ के लास्ट वीक का चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं वीक 17 में हूं, वीक 16 का डेटा चाहिए मुझे,
तो आपको यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे नहीं, वीक आपका 16 नहीं, मतलब जो भी उस डेटा में सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वीक में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, जो भी उस वीक वाले कॉलम में जो सबसे हाईएस्ट मैक्स होगा, मुझे उस वीक का काउंट चाहिए, जो भी हो सकता है। वो हो सकता है 4 हफ्ते पहले का डेटा हो सकता है, हो सकता है इसी वीक का डेटा हो सकता है, हो सकता है पिछले हफ्ते का हो सकता है, हाँ, तो जो इसमें भी मुझे मैक्स। देना होगा मंथ, हम डायरेक्ट वीक से नहीं लगा सकते सर, वीक में फॉर एग्जांपल वीक 52 सबसे ऐसा है किस मैक्स। महीने आपको हर महीने, अब मान लीजिए कि मंथ जनवरी महीने, फरवरी महीने में कौन सा वीक लेटेस्ट है? मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरा वीकली डेटा है, मंथ से ओके, मेरे को फर्क ही नहीं तो पड़ता, मेरे पास मंथ, वीकली डेटा है ओके वो। ओके, तो उसके लिए सिंपल है ही आपके पास, पता है इसके लिए। इसमें आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेंगे, जैसे मुझे मंथ वाइज मैं निकाल रहा था कि मैं मंथ सेलेक्ट करूंगा उसके लेटेस्ट वीक निकल जाएगा। तो यहाँ पे न्यू कॉलम में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाई वीक निकालेंगे, सिंपल सी बात है, वाई वीक। और यहाँ पे आप सिंपल सी देंगे वीक नाम, क्या देंगे वीक नाम, इसमें सेलेक्ट करेंगे डेट, आ गया। और यहाँ पे सिंपल सा आप क्या कीजिए, मॉडलिंग में आइए, मेजर्स पे आइए, और इसमें आप दीजिए इसी पीसी को चेंज कर देते हैं, मैं वाई वी, एक मिनट वाई वी पे, एक मिनट एक मिनट, ये वाला वाई वी वीक है, वाई वीक तो लग निकला ही नहीं, सिंपल सर। इसको तो वैसे अभी वीक से ही कर लीजिए, नॉर्मल वीक ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देखते रहेंगे डेट वाइज जो भी है, वीक वो लगा दिक्कत थी दीजिए। पहले, डेटा में दिक्कत थी, मैं डिलीट कर दिया, एरर आ रखा था इसलिए नहीं आ रहा, आपका ये वीक आ गया। ठीक है, अब मुझे अपने यहाँ पे समरी पे जाना है, मेजर्स निकाल, मॉडलिंग पे मेजर्स, और मेजर्स में क्या करना है, मेजर्स में मुझे करना है यहाँ पे काउंट ईयरली वीक, यहाँ पे हमें सिंपल सा देना है काउंट एक्स, काउंट एक्स में लगाना है हमें फिल्टर, फिल्टर के अंदर डेटा देना है C1 और कॉमा एक्सप्रेशन, फिल्टर का एक्सप्रेशन होना चाहिए यहाँ पे वाई वीक इज इक्वल टू मैक्स वाई वीक, सर
और इस कॉमा में हमारा काउंट किसको करना है, तो नेम, अच्छा काउंट है ना, काउंट एक्स है, तो काउंट एक्स में दिक्कत हम सिंपली ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हम मेजर में सिर्फ सम ले लें और फिर स्लाइसर लगा दें वीक का, अलग है वो चीज, अलग यहाँ पे मैं एक सिर्फ चाहिए कार्ड पे चाहिए उनको, मुझे कार्ड पे चाहिए, कार्ड पे चाहिए नंबर, वो काउंट ए एक्स, स्लाइसर तो कार्ड को भी फिल्टर करता है ना, बाकी डेटा डिटेल नहीं ना चाहिए इसमें, ए On AX. सही है, आ गया रिजल्ट, आ गया सर, और ये रहा वाई भी आ गया सर, okay. इसको वैलिडेट कर लें 12 के है कि नहीं, समझ गया मैं, बस एक जगह गलती कर रहा था, लगा ऐसे ही रहा था मैं भी, काउंट AX फिल्टर का यूज कर रहा था, लेटेस्ट वीक 53 है, इतना नहीं है, 5 ही आना चाहिए ना ये, ये वाई बी का फॉर्मूला क्यों चेंज हुआ, फॉर्मूला लिया ही नहीं सर, CY week देखे सर, सर आपने CY week बनाया नया, हाँ हाँ ये गलत लग दिया सर, गलत डाल दिया सर, हाँ ठीक है, 5 अब आ गया, चलिए बढ़े, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन नहीं था, मैंने और रिकॉर्डिंग कर रखा है, अच्छा आपने कर रखा, फिर फॉरवर्ड कर दीजिएगा सर, यूट्यूब पे जा रहा है, ओके तो अब हम बात आगे की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं कंडीशंस की तरफ, कंडीशन में हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले हमने इफ और एंड के बारे में, तो सबसे पहले हम एंड के बारे में चलते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे, जैसे कि आप डेमो देख रहे हैं राइट, यहाँ पे नंबर क्या है 4 है, यहाँ पे आपका 5 है, तो हमें ये देखना है कि अगर सिंपल सी बात समझ जाइए कि हमारा जो डैमो है वो डैमो अगर 2 से 4 ही है, 3 भी है, 5 भी है, 2 है, या भी छोड़िए इस पे आते हैं, हाँ अगर हमारा रेवेन्यू जो है वो 15,000 से ऊपर है तो मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे आपको जस्ट चेक करना है कि 15,000 से ऊपर कितने हैं, 15,000 से नीचे कितने हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इफ फॉर्मूला दे, आप जनरली यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन 15 के यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे जस्ट मुझे देना है रेवेन्यू, आरओवी रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 15,000, एंटर मारते ही आप देखेंगे कि जहाँ पे कंडीशन मैच कर रहा है वहाँ पे ट्रू आ रहा है, जहाँ पे कंडीशन मैच नहीं कर रहा है वहाँ पे फॉल्स आ रहा है राइट, लेकिन मुझे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे देना है 15 से 30 के बीच में रहना चाहिए, मुझे 2 कंडीशंस देने हैं, तो मैं यहाँ पे 2 कंडीशन एक साथ नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पे मैं फॉर्मा लगाऊंगा एंड का कि एंड, और यहाँ पे हम देंगे दूसरी कंडीशन की रेवेन्यू लेस देन इक्वल टू 30,000 जो भी 15 से 30 के बीच में होगा तो यहां पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ओके सर, ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आएगा, अगर के बीच में हुआ तो याद रखिएगा कि पावर एक्सेल के एंड और में तो बहुत सारे रिकॉर्ड हम दे देते हैं, पर पावर बीआई के में सिर्फ हम 2 ही कंडीशन दे सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, मुझे ट्रू एंड फॉल्स के जगह पे यस एंड नो करना है, तो यहां पे हम दे देंगे इफ और फिर यहां पे देंगे सिंपल सा यस एंड नो, राइट सर,
एंड हो गया। तो एंड और इफ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि अगर मुझे तीन कंडीशन हो एंड के, तो तीन कंडीशन अगर एंड के हो तब क्या करेंगे, तो उसमें मुझे दो एंड लगाना होगा तो एंड लगा देंगे। अब मैं और की बात करता हूं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर MIS हुआ, अगर MIS हुआ या एक्सिस हुआ या एक्सेल हुआ, मैं एक्सिस छोड़ दीजिए, MIS VVA और एक्सेल अगर तीन हुआ, MIS VVA एक्सेल तीन हुआ, तो इसको हम जो है मंडे टू फ्राइडे का बैच में डालेंगे। बैच यहाँ पे मानिए बैच ऑटो बैच सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मुझे कंडीशन ये है कि तीन अगर हुए, तीनों में से कोई एक हुआ तो मंडे टू फ्राइडे आना चाहिए, अगर इनके अलावा कोई आया हुआ तो सैटरडे एंड संडे आना चाहिए। ओके तो अब जैसे कि मुझे पता करना है कि MIS कौन कौन से है, ऐसी चीजें पता करना चाहिए, तो मुझे न्यू कॉलम में आता हूं। मैं न्यू कॉलम में यहां पे हम दे देते हैं वीकली क्लासेस, वीकली के लिए। तो यहां पे अगर जस्ट पता करना है MIS क्या है, तो मैंने यहां पे कोर्स डाल दिया। अब कोर्स हालांकि टेक्स्ट में है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में मुझे यहां पे डालना होगा MIS। सिंगल कंडीशन आप डायरेक्ट डाल दीजिए, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, लेकिन मुझे मल्टीपल कंडीशन चाहिए। तो अगर मल्टीपल कंडीशन आपके रिक्वायर है, जैसे कि यहाँ पे था कि भाई 15 से 20 के अंदर ही होना चाहिए, 15 से बड़ा और 30 से नीचे, तो दोनों हमारा रिक्वायर था। बट यहाँ पे क्या है कि खाए तो MIS होगा, MIS भी हो सकता है, एक्सेल भी हो सकता है, और आपका VVA भी हो सकता है, ऐसे तीन कंडीशन है। तो मैंने यहाँ पे और लगाया, और के अंदर में हमने दूसरा कंडीशन दे दिया कि कोर्स इज इक्वल टू, हमने दे दिया VVA, एंटर मार दिया। अब जैसे कि मैंने बताया कि एंड जो है दो कंडीशन लेता है, तो और भी आपका दो कंडीशन ही लेता है, दो से ज्यादा कंडीशन और आपका नहीं लेता है। तो क्या करें, यहां पे एक और डालेंगे हम, एक और डालेंगे, और इसमें हम तीसरा कंडीशन दे देंगे कॉट। ऐसा चीज भी एंड में भी ऐसे में ऐसे ही करेंगे आप। इक्वल टू हमने डाल दिया एक्स। ओके, लेकिन मुझे ट्रू एंड फॉल्स नहीं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे देना है। तो जल्दी सी बात है, इसको इफ फॉर्मूले के अंदर में रखेंगे कि इफ, और यहां पे देते हैं कि यहां अगर वाई ये हुआ तो यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे होगा, अदरवाइज सैटरडे एंड संडे होगा। ठीक है, एंटर मारिए, रिकॉर्ड आपके सामने। तो एंड और इफ तीनों समझ में आ गया। यस सर। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ का, मतलब कि मल्टीपल कंडीशन कैसे देंगे। जैसे कि हमने एंड कहीं दो एंड या और लगा दिया था यहाँ पे, तो मुझे मान लीजिए दो कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन देना है, मतलब कि मान लीजिए हमें देना है कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपना मान लीजिए कि ए निकालना है, इंसेंटिव निकालना है। तो अगर मान लीजिए कि अगर जो है रेवेन्यू जो है अगर 15 से नीचे 10 से नीचे हुआ, तो हमें यहाँ पे 500 की इंसेंटिव देनी है। 10,000 से लेके 15,000 के बीच में हुआ था 7,500, 15 से 30 के बीच में हुआ, 15 से 30 के बीच में हुआ, तो मान लीजिए हमें देना है ऐसी कुछ अमाउंट देना है। तो चलिए इसके लिए हम कॉलम में देते हैं नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे कॉलम का यहाँ पे देते हैं INC, इंसेंटिव कुछ भी दे दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इफ हमने बोला रेवेन्यू, रेवेन्यू इज लेस देन इक्वल टू 10,000, तो हमें यहां देना है 500। वापस इफ हमने बोला रेवेन्यू इज लेस देन 15,000, तो हमें देना है मान लीजिए 1,000। फिर यहां पे इफ हमने बोला कि रेवेन्यू इज लेस देन इक्वल टू 30,000, तो हमें देना है 15,000, अदरवाइज
टू थाउजेंड उससे ऊपर हुआ, तो यहां पे एंटर मारते हैं, तो यहां देखिए रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ इंक्लूड कर सकते हैं। समझ गए सर? ये भी जस्ट लाइक एक्सेल ही है, जैसे एक्सेल में यूज होता है सेम। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि इसके एंड में दो ही और में दो ही होता है, तो इसके साथ आप कंबाइन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला लार्ज हो जाएगा। तो इसमें आपने दो चीज समझा, पहले तो आपने समझा कि हम वीक मंथली वीक कैसे निकालेंगे, तो हमने हमने क्या किया था, हमने वीक डे को डे निकाल के डिवाइड बाई सेवन और राउंड का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें आपने डे का फॉर्मूला सीखा, आपने राउंड का फॉर्मूला सीखा, राइट? दूसरा यहाँ पे वीक नंबर का फॉर्मूला है जो कि ईयरली वीक देता है, साल के कितना वीक है वो ईयरली वीक देता है, वीक नंबर, राइट? और इसके बाद हमने उसको काउंट, अगर मान लीजिए किसी काउंट करना है लेटेस्ट वीक का, तो आपने देखा कि हमने इसके लिए यहाँ पे ए लगाया, जिसका फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंट एक्स मतलब कि काउंट इफ की तरह काम करता है, बट काउंट इफ दोबारा जो है अपने हिसाब से काम करता है, उसके लिए हमें फिल्टर देना होता है, ठीक है? तो हमने फिल्टर दे दिया कि भाई फिल्टर फॉर्मूले में कंडीशन दिया कि वाई वीक जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, जो ये वीक मैक्सिमम होगा, वीक नंबर ओ, और हमें काउंट करना है तो नेम दिया। यहाँ पे काउंट ए लिया क्योंकि हमने यहाँ पे नेम काउंट किया। अगर आपने आईडी सेल्स कुछ दिया नंबर है तो काउंट एक्स भी ले सकते हैं। इसको हमने मेजर्स में अप्लाई किया क्योंकि सिंगल रिजल्ट्स है। तो लॉजिकल फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें लॉजिकल फॉर्मूले में? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली कैटेगरी के फॉर्मूले को।